हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई होप आप सब लॉकडाउन के इस पीरियड में ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ योर करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 13। ओके, देखिए, आज तक अभी तक हमने जो 12 लेक्चर्स हुए, काफी सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हमने कवर किए हैं। ओके, तो आज का जो पहला हमारा जो टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए, दैट इज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जो कि मनाया जाता है 5 जून 2020 को। और इस बार की जो थीम थी, वो थीम क्या थी? वो थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो आपको ये थीम हमेशा के लिए याद रखनी है, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पॉइंट ब्लैंक आपको पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे फॉर 2020। तो वो थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, फॉर एनकरेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस एंड एक्शन टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। द डे हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस 1974। तो 1974 से इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है बाय एंगेजिंग गवर्नमेंट्स, बिजनेस, सेलिब्रिटीज एंड सिटीजन्स। तो काफी सारे एनजीओ है, गवर्नमेंट है, जो ग्राउंड लेवल पे इसके लिए काम करते हैं। काफी सारे इंडिया जैसे कंट्री में काफी सारे सेलिब्रिटीज को वर्ल्ड एनवायरमेंट के सेलिब्रेशन के साथ जोड़ा गया है, ताकि वो ज्यादा इम्पैक्ट कर सके ऑन ग्राउंड, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, टू फोकस देयर एफर्ट्स ऑन प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज। तो हम देखिए, पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइज इन टेम्परेचर, ये सारी चीजें काफी जल्दी से बढ़ी है। और इसका एक वजह यह है कि हमने जो अंधाधुंध जो डेवलपमेंट किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए पिछले 50-60 सालों में, और उसी की वजह से आज का जो हमारा टेम्परेचर राइज होता है वो हमें दिख रहा है। आर्कटिक के जो बर्फ है वो पिघल रही है, सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से आने वाले 2050 तक, आने वाले 20-30 सालों में, काफी सारे जो कोस्टल जो रीजन है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि कोस्टल रीजन डूबने की कगार पर आ चुके हैं। इंडिया विल बी फोकसिंग ऑन द नगर वन स्कीम, ओके, दैट इज अर्बन फॉरेस्ट, इन एडिशन टू द ऑफिशियल थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। नगर वन का मतलब क्या है कि जो मेट्रो सिटीज है, जो टीयर वन टीयर टू सिटीज है, वहां पे मियावाकी मेथड को इस्तेमाल करके अर्बन फॉरेस्ट उगाए जाएंगे। ओके, छोटे छोटे सैपलिंग दिए जाएंगे सबको, और घरों में, घरों के आसपास, या तो बड़े बड़े शहरों में ऐसी जगहों पे जो अभी अनप्रोडक्टिव पड़ी हुई है, वहां पे पेड़ उगाए जाएंगे, और इस तरह से जंगलों का विकास किया जाएगा। फर्दर, द इंडियन नेवी हैज ऑल्सो मार्क्ड द डे थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स विच आर इंटेंडेड टू रिड्यूस इट्स एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। डिस्क्रिप्शन, द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2020 इज सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड existential. Okay, almost 1 million species are facing extinction. तो देखिए, अब एक रिपोर्ट आई है कि भाई अभी जो एक्सटेंशन चल रहा है वो ऑलरेडी सिक्स्थ मास एक्सटेंशन चालू हो चुका है। ओके, जिसमें काफी सारे जो नियर टू एक्सटेंशन वाले जो भी बायोडाइवर्सिटी के जो हिस्से है, वो आने वाले कुछ सालों में कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। Almost 1 million species are facing extinction worldwide, and thus there has never been a more important time to focus on biodiversity. तो United Nations ने भी आने वाले जो 10 साल है उसको biodiversity के ऊपर focus किया है कि आप development कीजिए, but development ऐसा कीजिए कि जिससे biodiversity को नुकसान ना हो। The day will be hosted in Colombia in partnership with Germany. तो इस बार world environment का जो host है वो कौन है? Colombia है। Okay, जिसको मदद कौन करेगा? Germany। पिछले साल कौन था world environment day का host? जो था वो चाइना था। Okay, और चाइना ने basically air pollution के ऊपर अपना theme रखा हुआ था, तो वो host country के ऊपर है कि वो अपने हिसाब से थीम चुन सकते हैं। ओके, उसकी उनको छूट दी जा रही है। तो इस बार की जो होस्टिंग कंट्री है जो है कोलंबिया इन पार्टनरशिप विद जर्मनी। इनिशिएटिव्स बाय इंडियन नेवी, इंडियन नेवी एनवायरमेंट कंजर्वेशन रोड मैप एक जारी किया गया है, विच इज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट एंड की एनेबलर फॉर प्रोग्रेसिवली अचीविंग एन ग्रीन फुटप्रिंट। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अपने कार्बन फुट
कार्बन फुटप्रिंट को क्या करना है, कम करना है, और कार्बन फुटप्रिंट को घटाकर ग्रीन फुटप्रिंट को क्या करना है, बढ़ाना है. इट हैज वॉलंटरिली इम्प्लीमेंटेड ऑल 6 स्केड्यूल्स ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, दैट इज मारपोल रेगुलेशन. ओके, सो शिप्स के लिए एक रेगुलेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये डिसाइड हुआ है कि भाई शिप्स को किस तरीके से काम करना चाहिए. ओके, कैसे उन लोगों को कौन सा फ्यूल यूज करना चाहिए, किस हिसाब से कार्बन फुटप्रिंट को कम करके ग्रीन फुटप्रिंट को अचीव करना चाहिए. तो इंडियन नेवी ने वॉलेंटरीली इस चीज को, मारपोल रेगुलेशन को अपनाया है. ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है कि उनको कंपल्सरीली मारपोल को फॉलो करना था, बट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंट, एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू बायोडाइवर्सिटी, उन लोगों ने ये डिसीजन लिया है. इट कवर्स पॉल्यूशन ऑफ द मरीन एनवायरमेंट बाय शिप्स फ्रॉम ऑपरेशनल और एक्सीडेंटल कॉजेज. देखिए, हमने पिछली बार के लेक्चर में देखा था कि भाई रशिया में क्या हुआ, रशिया में पूरा डीजल लीकेज की वजह से पूरी एक नदी में क्रूड ऑयल हमें फैलता हुआ देखा, और उसकी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है वो आने वाले 20-30 सालों तक वापस इमर्ज नहीं कर पाई, उतना उसको सीवियर थ्रेट पहुंचा है. तो ऐसा ही थ्रेट जब शिप्स चलते हैं ओशन में, तो उनको ऐसा ही थ्रेट पहुंचता है, उसको कैसे कम किया जा सके, उसका जो पूरा रेगुलेशन है दैट इज मारपोल रेगुलेशंस. इट लिस्ट्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ मरीन पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ऑयल, noxious liquid substances, harmful substances in package form, sewage and garbage from ships, etc. Currently, it has been focusing on the reduction of overall power consumption through a progressive induction of energy efficient equipment. तो किस तरीके से ships में और बाकी सारे जो navy के जो centers है, okay, navy के जो spots है, वहां पे जो overall power consumption है उसको कैसे घटाया जा सके, उसके ऊपर आने वाले कुछ समय तक navy focus करेगी. जैसे हर जो navy के buildings होंगे, उनको सोलर पैनल से या बाय अदर मींस रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज में विंडमिल लगा दिया, इस तरीके से पावर कंजप्शन वहां पे किया जाएगा, ताकि जो कन्वेंशनल मेथड्स है कोल से जो बिजली आती है उसको कम किया जा सके. ओके, चलिए, अर्बन फॉरेस्ट क्या है? सो अर्बन फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट और अ कलेक्शन ऑफ ट्रीज दैट ग्रो विद इन द सिटी, टाउन और अ सबर्ब, राइट. तो जैसे कि मैंने बताया आपको, टीयर वन टीयर टू के जो सिटीज है, जहां पे आजकल सीमेंट के जंगल आपको दिखेंगे. ओके, वो जंगल कैसे थे? पहले तो सीमेंट के जंगल थे नहीं, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले वहां के जो पेड़ पौधे थे, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी, उसको काट के आपके और हमारे घर बनाए गए हैं. आज आप देखोगे, जब आप बचपन में आपको बटरफ्लाई या चिड़िया देखने को मिलती थी, आज आपको चिड़िया जैसा जो नॉर्मल बर्ड है, जो कि आपकी विसिनिटी में पहले आपको आसानी से देखने को मिल जाता था, आज आपको वो देखने को नहीं मिल रहा है. क्या मतलब हुआ? कि चिड़िया धीरे धीरे क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है, राइट. इन अ वाइडर सेंस इट मे इंक्लूड एनी काइंड ऑफ वुडी प्लांट वेजिटेशन ग्रोइंग इन और अराउंड ह्यूमन सेटलमेंट. ओके, चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हैज ट्रेडिशनली बीन कंसिडर्ड कॉन्फाइंड टू रिमोट फॉरेस्ट एरियाज. ओके, तो अब तक ये माना जाता है कि बायोडाइवर्सिटी आपको कहां मिलेगी? जंगलों की ही चीज है, उसकी उसी विसिनिटी में बायोडाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को देखा जाता था, बट दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है ना, आप जब कोई एक जगह पे रहने गए हो, या आप जब कोई एक जगह पे बिल्डिंग बनाई है, उससे पहले वहां भी तो एक बायोडाइवर्सिटी हुआ करती थी. आपने क्या किया? वहां के पेड़ पौधे काट दिए, तो वहां के जो इंसेक्ट्स थे, वहां के जो बर्ड्स थे, वहां के जो और छोटे छोटे जो बायोडाइवर्सिटी के हिस्से थे, उन लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी. ओके, आप लोगों ने पूरी, इंसान ने क्या किया, वो पूरी जगह हथिया ली. ओके, बट विद द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन अ नीड हैज राइजन टू सेफ गार्ड एंड सेव बायोडाइवर्सिटी इन अर्बन एरियाज ऑल्सो, राइट. ऐसा तो नहीं ना कि हमें अर्बन एरियाज में ग्रीनरी की जरूरत नहीं है या पेड़ पौधों की जरूरत नहीं है, राइट. तो वो बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है. इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन ऑल ट्री डोमिनेटेड एज वेल एज अदर ग्रीन रिसोर्सेज इन एंड अराउंड अर्बन एरियाज सच एज वुडलैंड्स, पब्लिक एंड प्राइवेट अर्बन पार्क्स एंड गार्डन्स, स्ट्रीट ट्रीज एंड स्क्वायर प्लांटेशंस, बॉटनिकल गार्डन्स एंड सिमेट्रीज. ओके, बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ माइक्रो क्लाइमेट एंड रिड्यूस द अर्बन हीट
आइलैंड इफेक्ट। ओके, तो आपको देखिए, अगर आपके घर के आसपास भी अगर आप थोड़े बहुत पेड़ पौधे अगर लगा के रखोगे तो आपको जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। ओके, इट इज फील कर सकते हो उसको कि चलिए बाहर अगर मैं रास्ते पे जा रहा हूं तो लेट से 43 डिग्री टेम्परेचर है, बट 2-3 डिग्री तक का टेम्परेचर डिक्रीज अगर आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं तो आपको मिलेगा। एन अर्बन हीट आइलैंड इज अर्बन एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया दैट इज सिग्निफिकेंटली वार्मर देन इट्स सराउंडिंग रूरल एरियाज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे ही हम हाईवे पे निकलते हैं, सोचिए, ओके, या कोई इंटीरियर गांव में अगर जाएंगे तो वहां पे हमें गर्मी में भी टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, 5-7 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज है वो आसपास खेतों से या जंगलों से घिरे हुए हैं, तो जो सराउंडिंग है ओके वो ज्यादा कूलर होगा। बट अर्बन एरियाज में क्या होगा, अगर मान लीजिए कि 300 स्क्वायर किलोमीटर का कोई शहर है ओके, तो वहां पे 2-3 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जो एरिया है वो भी अलग अलग एरियाज में पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, अदरवाइज ऑलवेज इट इज सीमेंट रोड्स और बिल्डिंग्स। तो जो सराउंडिंग्स के जो एरिया से जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो क्या है, थोड़ा ज्यादा वार्मर होगा, 3-5 डिग्रीज आपको ज्यादा टेम्परेचर सिटीज में आपको देखने को मिल सकता है। द अर्बन फॉरेस्ट प्ले अ की रोल्स इन सपोर्टिंग वाटर मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज थ्रू मैनेजमेंट ऑफ द अर्बन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अर्बन फॉरेस्ट्स कैन सीक्वेस्टर ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन बाय कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो जो कार्बन फुटप्रिंट्स है वो भी हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ओके, जितना पेड़ पौधे ज्यादा होंगे उतना पोल्यूशन कम होगा, ऑक्सीजन आपको क्या मिलेगा, उतना ज्यादा मिलेगा, और जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो बाय एनी ऑफ योर एक्टिविटीज उसको पेड़ पौधे क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ओके, चलिए, चैलेंजेस क्या है, लेक ऑफ अप्रोप्रिएट ट्री प्लांटिंग स्पेसेस ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। ओके, हमारे पास अब जगह ही नहीं बची जहां पे हम ट्री प्लांटेशन के जो प्रोग्राम्स है, जो ड्राइव है वो चला सके। इन्वेसिव नॉन नेटिव प्लांट स्पीशीज थ्रेटनिंग अर्बन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो देखिए, जनरली क्या होता है, अगर आप कोई अच्छे पेड़ पौधे उगाने जाओगे ओके, तो वहां पे जंगली पेड़ पौधे आके उसको क्या कर लेंगे, उस पेड़ पौधे का जो न्यूट्रिशन है उसको कैप्चर कर लेंगे और वो जल्दी से बढ़ते जाएंगे। ओके, तो वो भी हमें सोचना है कि भाई कौन से हैबिटेट में कैसे पेड़ पौधे हमें उगाने हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल। ओके, और ये इंडिया जैसे कंट्री में ये सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट करता है। ठीक है, हमें लगता है कि भाई पेड़ पौधों की क्या जरूरत है, हमें जो विजिबल चेंजेस है वो उसके नजर नहीं आते, एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव कि भाई पेड़ पौधे अगर काट भी दिए तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ओके, जब तक सोसाइटी आगे नहीं आएगी, ओके, जब तक एनजीओज, स्टूडेंट्स, यूथ, वीमेन, ये सारे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे और मिलकर साथ में काम नहीं करेंगे, तब तक गवर्नमेंट चाहे कितने भी प्रोग्राम्स बना ले, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सोल्यूशन क्या है, नोवेल एंड इनोवेटिव मेथड्स लाइक दैट ऑफ जापानीज मियावाकी मेथड, ये आगे के चैप्टर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या है मियावाकी मेथड ऑफ एफोरेस्टेशन कैन बी यूज्ड टू ग्रो अर्बन फॉरेस्ट्स एंड एक्सपैंड द ग्रीन कवर इन दीज एरियाज। ओके, सो बेसिकली मियावाकी मेथड क्या है, वो बिलोंग करती है जापान से और वो सिखा दिए गए भाई आपको कैसे अर्बन एरियाज में अगर जगह छोटी है वहां पे कैसे आप इजीली पेड़ पौधे उगा सकते हो। ओके, इंडिया ने देखिए हर जगह अभी फॉलो नहीं किया है, बट महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला जैसे जो स्टेट्स है वो ऑलरेडी मियावाकी मेथड से अर्बन रीजन्स में ये फॉलो कर रहे हैं। ओके, मियावाकी इज अ टेक्निक पायोनियर्ड बाय जैपनीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी दैट हेल्प्स बिल्ड dense native forests in a short time. The increased awareness about the urban forestry and management of the same would help to increase the urban forest cover with increasing urbanization. ओके, चलिए, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ओके, और देखिए जो ये वीडियोज देख रहे हैं, ठीक है, अगर मेरी बात थोड़ी भी सही लगे, ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनी वे आर गोइंग टू पास सम गवर्नमेंट एग्जाम्स, राइट, तो आप गवर्नमेंट की जो बॉडी है उसमें काम करोगे। आज तक तो हम गाली देते हैं कि भाई गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती, बट जब नाउ व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको
पढ़ाई के साथ साथ उस पर एक्ट भी करना चाहिए। ओके, तो देखिए अभी 5th जून अभी अभी गया है, ठीक है, जून महीने से पहले पहले बारिश का मौसम है, एक गमला लेके आइए और एक छोटा सा सैपलिंग अपने घर के आंगन में उगाइए, ठीक है। अगर जगह नहीं है तो एक छोटा सा गमला, ठीक है, गमला काफी महंगा नहीं होगा, 20-22-25-30 रुपए का एक कोई गमला लेके आइए छोटा सा, उसमें कम से कम एक तुलसी का पौधा भी उगाइए। ओके, दिस इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलिए, ये हमेशा कहा जाता है कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, ये बट हमेशा हम बोलते हैं जब फॉलो की बात आती है दैट वी डू नॉट परफॉर्म दिस, राइट। तो ये हमें अब परफॉर्म करने की जरूरत है। ओके, चलिए, बायोडाइवर्सिटी क्या है? सो बायोडाइवर्सिटी जरूरी क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पूरी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी की चेन है, जो ह्यूमन एंड जिसमें ह्यूमन है, इंसेक्ट है, जानवर है, ठीक है, अगर कोई एक भी कड़ी जो है उसमें, कोई एक भी जो चेन है वो अगर टूट जाती है तो बाकी की जो उसके सब्सिक्वेंट है, जो उसकी प्रीवियस चेन्स है, उस पर भी उसका असर पड़ेगा। ओके, तो पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई द 6th मास एक्सटिंक्शन हैज बीन स्टार्टेड, राइट। द थीम फॉर द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे फॉर 2020 वॉज अवर सोल्यूशंस आर इन नेचर। ओके, तो देखिये अब ये भी हमने मान लिया है कि भाई हमारे सारे सोल्यूशन जो है वो हमें कहां से मिलेंगे, नेचर से ही मिलने वाले हैं। ओके, चाहे आप कितना भी टेक्नोलॉजी लेके आओ, आपके सारे सोल्यूशन आपको मिलेंगे नेचर से। देखिए हम कितने भी सोल्यूशन आगे बढ़ा ले, ठीक है, क्या हम एंटार्कटिक के बर्फ को पिघलता हुआ रोक सकेंगे, क्या हम ज्यादा बारिश करवा सकते हैं, क्या हम ऑटोमेटिक पेड़ पौधे उगा सकते हैं, क्या हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को नष्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट। सो अवर solutions lies in the nature. The theme highlights that biodiversity remains the answer to number of sustainable development challenges. ठीक है, आप देखिए 10 माले की बिल्डिंग बना रहे हो, that is fine. अगर 10 माले की बिल्डिंग के साथ साथ आप एक छोटा सा पॉन्ड बना दीजिए, ओके, या तो जो उसकी पेरीफेरी है वहां पे एक नहर टाइप का कुछ अगर बना दीजिए सिस्टम, देन लेट से जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, अगर जब घर बन रहा है आपका तभी आप अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सारी जो सिचुएशन है वो कर दीजिए, देन अगर छोटा सा पार्क बना दीजिए जहां पे पेड़ पौधे हो, बच्चे खेल सके, तो अगर ऐसी सारी चीजें बनाते जाएंगे तो देट 10-स्टोरीड बिल्डिंग इज जस्टिफाइड। हम क्या करते हैं, 10 माले की बिल्डिंग बनाने के लिए तो पेड़ काटते ही है, बट हमें पेड़ पौधे पसंद भी नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी पे उसके सूखे पत्ते गिरेंगे, बिल्डिंग में कचरा काफी होता है, तो इन वजहों से हम पेड़ पौधे रखते ही नहीं है। देखिए आज आप कितनी अपने आसपास की कितनी सोसाइटीज या बिल्डिंग्स देखिए, आपको पार्किंग में, ठीक है, गाड़ियां और बाइक्स, इसके अलावा आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आज बच्चों के लिए खेलने के लिए भी पेड़ पौधे वाली जगह नहीं बची, ठीक है ना, जो बाग बगीचे होने चाहिए वो भी हमारे पास नहीं बचे। सो दैट इज वेरी स्कैरिंग थिंग इन नियर फ्यूचर। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी इज टिपिकली अ मेजर ऑफ वेरिएशन एट द जेनेटिक स्पीशीज एंड इकोसिस्टम लेवल। ओके, तो वो बायोडाइवर्सिटी हर जगह पे हमें इफेक्ट करेगी। इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स, ह्यूमन हेल्थ अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपको जीने के लिए तो नेचर के साथ हार्मनी में ही जीना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं जी पाओगे, ठीक है। फ्रेश वाटर, फूड, फ्यूल सोर्सेस, रेन एटसेट्रा, किस पे आप डिपेंडेंट हो, नेचर पे डिपेंडेंट हो। ओके, तो आपको बायोडाइवर्सिटी, अपना जो डायरेक्ट ह्यूमन जो एक्ट है उसको ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि बायोडाइवर्सिटी हैम्पर ना हो। इनडायरेक्टली चेंजेस इन इकोसिस्टम सर्विस इफेक्ट लाइवलीहुड्स, इनकम, लोकल माइग्रेशन एंड ऑन ओकेजन मे इवन कॉज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो बायोडाइवर्सिटी के इतने इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि भाई अरे फॉरेस्ट का जो मुंबई में इश्यू होता हुआ दिखा, ओके, तो गवर्नमेंट का भी उसमें काफी अपोज हुआ। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी किस तरह से आपके पॉलिटिक्स को भी अफेक्ट कर सकती है, ये भी आपको सोचना है। इफ ईच एंड एवरी सिटीजन लेट्स से वोट्स ऑन दी बायोडाइवर्सिटी
एजेंडा, ठीक है कि भाई जंगल जो है वो कम कर दिया आपने, तो सोचिए कि सरकारों की सरकारें गिर सकती है, बदल सकती है। ओके चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और बायोडायवर्सिटी इंडिया में क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल बायोडायवर्सिटी, और इंडिया टोटल 8% ऑफ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, राइट। द कंट्रीज एंडोड विथ रिच बायोडायवर्सिटी हैविंग सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड होस्ट्स 4 of 35 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ठीक है। तो जो बड़े बड़े बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है इंडिया में वो कौन से हैं, हिमालय जो कि पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना और म्यांमार में भी जिसका थोड़ा रीजन है। ओके तो हिमालय, इंडो बर्मा जो रीजन है, राइट, पूरा नॉर्थ ईस्ट और जो सुंदरबन वाला जो एरिया है वो, देन सुंडालैंड इंक्लूडिंग निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई एंड फिलीपींस, एंड वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंक्लूड्स एंटायर वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ओके तो इंडिया काफी रिच तरीके से जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इसीलिए इंडिया में बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व करना इज वेरी नेसेसरी। ओके चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो था इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट। अभी कुछ दिनों पहले हमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट होती हुई दिखी बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट स्कॉट मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है। ओके चलिए, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हेल्ड द फर्स्ट वर्चुअल बायलेटरल समिट एंड बोथ कंक्लूडेड टोटल ऑफ 9 एग्रीमेंट्स विच इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। देखिए अभी ये MLSA जो है, मालसा जिसको आप बोल सकते हो, MLSA, वो काफी इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट है। क्यों? क्योंकि अंडर दिस अग्रीमेंट नाउ इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन मिलिट्रीज कैन यूज ईच अदर्स मिलिट्री पैड्स। ओके ऐसा ऑलरेडी हम एक जो अग्रीमेंट है वो यूएसए के साथ कर चुके हैं। ओके चलिए, अग्रीमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दैट इज CSP क्या है, अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग 2+2 डायलॉग टू मिनिस्ट्रियल लेवल, एलिवेटिंग दी 2009 बायलेटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू अ CSP। ओके तो 2+2 डायलॉग अभी जो अधिकारी के लेवल पे होते थे, जो ऑफिसर्स के लेवल पे होते थे, उसको अब क्या किया जाएगा, मिनिस्ट्रियल लेवल तक पहुंचाया जाएगा ताकि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो लिए जा सके। इंडिया ऑलरेडी हैज अ 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग मैकेनिज्म विद USA एंड जापान। तो जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है अपना, जिसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं, ओके जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2007 में, बट ये ग्रुप काफी पैसिवली काम कर रहा था, ओके ऑलमोस्ट डेडली काम कर रहा था आफ्टर जापानीज PM's इनिशिएटिव आफ्टर 2017, अगेन इसमें एक बार जान फूकी गई है। ओके और ऑलरेडी हम 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक्स करते हैं किसके साथ, USA और जापान के साथ। ओके USA और जापान के साथ, और ये क्वाड में कौन से जो क्वाड का मतलब है, देखिए चार कंट्रीज से क्वाड बनेगा, क्वाड्रिलेटरल ग्रुपिंग। तो क्वाड्रिलेटर में कौन से कंट्रीज है, USA, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग्स स्टार्ट किए जाएंगे। इंडिया हैज साइंड CSPs विद UK, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड UAE दस फार, विद ऑस्ट्रेलिया CSP विद चाइना, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर। ओके ऑस्ट्रेलिया ने चाइना, इंडोनेशिया एंड सिंगापुर के साथ CSP किया है, और इंडिया ने UK, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड UAE के साथ किया है। MLSA क्या है, Both sides agreed to continue to deepen and broaden defense cooperation by enhancing the scope and complexity of their military exercise and engagement activities to develop new ways to address shared security challenges. तो आने वाले सालों में हमें ज्यादा मिलिट्री कोऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होता हुआ दिखेगा। From now on, military interoperability जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। उसका मतलब क्या है कि इट विल इंक्रीज मिलिट्री ऑपरेशंस थ्रू डिफेंस एक्सरसाइज एंड अलाउ बोथ मिलिट्रीज द रेसिप्रोकल यूज ऑफ बेसिस। ओके तो एक दूसरे के जो मिलिट्री बेस है उसको यूज कर पाएंगे। ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ कोऑपरेशन, अगर ऑस्ट्रेलिया में कुछ होता है तो इंडिया अपनी आर्मी भेजेगा, अगर इंडिया में कुछ होता है तो ऑस्ट्रेलिया अपनी आर्मी भेजेगा। पोर्ट एक्सरसाइज एंड पैसेज एक्सरसाइजेस, तो ये सारी चीजें आने वाले सालों में हमें होती हुई दिखेगी। इंडिया हैज सच एग्रीमेंट्स विथ USA, ओके जिसको हम लेमोआ के नाम से जानते हैं, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ
अग्रीमेंट, फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो टोटल इंडिया के ऐसे चार कंट्री के साथ ऐसे अग्रीमेंट्स है, यूएसए, फ्रांस, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एमएलएसए के अंडर ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। द टू साइड्स अनाउंस्ड द रोड मैप टू हार्नेस अपॉर्चुनिटीज एंड मीट चैलेंजेस टुगेदर एज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। ओके, और एक चीज देखिए क्या डिस्कस ऑस्ट्रेलिया ये चाह रहा है कि भाई इंडिया आरसीईपी को ज्वाइन करे। ओके, आरसीईपी क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो नवंबर 2019 में आरसीईपी की एक पूरी मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी और उसको इंडियन साइड से रिप्रेजेंट किया था हमारे उस टाइम के जो वित्त मंत्री थे, ओके, उन्होंने जो कॉमर्स मिनिस्टर थे उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया था, पीयूष गोयल ने। ओके, और आरसीईपी में इंडिया ने जुड़ने से इसलिए मना कर दिया था कि इंडिया के जो हित है, इंडिया की जो इंटरेस्ट है वो वहां पे प्रोटेक्ट नहीं हो रहे थे। ओके, जैसे चाइना से और ऑस्ट्रेलिया से डेयरी प्रोडक्ट लाना चाह रहे थे चाइना और ऑस्ट्रेलिया, बट अगर चाइना और ऑस्ट्रेलिया डेयरी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लाते हैं तो इंडियन मार्केट के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ओके, उसको काफी बड़ा धक्का पहुंचता, उन लोगों की जो काफी सारी नौकरियां जाने का डर था, काफी सारे बिजनेसेस बंद होने का डर था। ओके, और उसका सीधा असर पड़ता फार्मिंग के साथ। ओके, क्योंकि काफी सारे जो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है इंडिया में वो सहकारी मंडली के थ्रू होता है, अगर आपको पता होगा तो, जैसे अमूल सहकारी मंडली, राइट। सो अमूल कॉपरेशन, सो कॉपरेटिव तरीके से हमारे यहाँ जो ये बड़ी बड़ी मिल्क प्रोडक्शन की जो कंपनी है वो चलती है। तो वो क्या कर दिए, छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं जिनके पास गाय है या बफेलोज है या भैंस है, ओके, तो उन लोगों से दूध इकट्ठा किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि दूध और दही जैसी चीजें अगर मैं ऑस्ट्रेलिया या चाइना की यूज करने लगूंगा तो एट दी एंड ग्राउंड लेवल तक उसका इफेक्ट पड़ेगा, जो कि इंडिया को मंजूर नहीं था, इसलिए इंडिया ने मना कर दिया कि भाई वी विल नॉट बी ज्वाइनिंग आरसीईपी। और ऑस्ट्रेलिया ये ट्राई कर रहा है कि भाई इतने बड़े मार्केट को हम नहीं जाने दे सकते, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया ये ट्राई कर रहा है कि भाई किसी ना किसी तरह इंडिया को आरसीईपी में जोड़ दिया जाए। और एक बड़ा धक्का आरसीईपी के मेंबर कंट्रीज को तब लगा जब जापान ने यह बोल दिया कि भाई अगर इंडिया आरसीईपी में नहीं जुड़ेगा तो जापान भी आरसीईपी के साथ नहीं जुड़ेगा, राइट। तो एक बार पॉज करके देख लीजिए कि भाई आरसीईपी में कौन से मेंबर कंट्रीज है। ओके, आसियान कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, ऐसे कंट्रीज है जिसके नाम आपको पता होने चाहिए। ओके, आसियान और 6 अदर कंट्रीज है। ओके, तो टोटल 16 कंट्रीज का जो ग्रुप है दैट इज नोन एज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ओके, तो ये हो गया है आपका जो वर्चुअल समिट हुआ उसके बारे में ये सारी डिटेल्स आपको बता दी मैंने। ओके, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज रिलेटेड टू योर इकोनॉमी सब्जेक्ट। ओके, और जून महीने में हमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता हुआ दिखा है। और ये जो जून महीने का जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है एफपीआई जो है वो 2020 के आगे के किसी भी महीने से सबसे हाईएस्ट होता हुआ हमें दिखा है। देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, तो जब कोई फॉरेन का कोई इंडिविजुअल या फॉरेन की कोई कंपनी जब इंडियन शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तब उसको कहा जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, अब देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये दोनों काफी अलग चीज है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपको इंडिया में कोई बिजनेस खोलने की जरूरत नहीं है, राइट। आप जैसे सिंपली जैसे अपने देश के शेयर मार्केट में डील करते हो डे टू डे बेसिस पे, उसी तरह से आप यहां पे भी अपना पैसा जस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज लेस रिस्की काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने क्या किया है जस्ट अपना थोड़ा पैसा इंडियन मार्केट में डाला है, जैसे ही मार्केट अप जाएगा आपको आपका पैसे का इंस्टेंट रिटर्न मिल जाएगा। लेट्स से एक महीने, दो महीने, चार महीनों में आपको आपके पैसों का रिटर्न मिल जाएगा। जबकि सामने एफडीआई क्या है, आपको जो पूरी एक प्रोसीजर है गवर्नमेंट की, सारे लाइसेंसेस आपको अक्वायर करने पड़ेंगे, लैंड एक्विजिशन, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, जो लेबर लॉज है वो सारी चीजें आपको गवर्नमेंट के साथ सिंक में बिठानी पड़ेगी। ओके, देन आप अपना इन्वेस्टमेंट यहां पे स्टार्ट कर सकोगे। ओके, चलिए द क्वांटम ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन द इक्विटी मार्केट रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून कंपेयर्ड टू एनी अदर मंथ इन द
करंट कैलेंडर ईयर और ऑफ 2020, तो जून 2020 में जो इक्विटी मार्केट में जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट होता था वो सबसे ज्यादा है। द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव बॉट शेयर्स विद अबाउट 21,000 करोड़ इन जस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून 2020। दिस इज द हाईएस्ट इन एनी मंथ ऑफ 2020 विथ द प्रीवियस हाई रजिस्टर्ड इन मे एट रूपीज 14,569 करोड़। देखिए मई में ये कितना था, ऑलमोस्ट 14,000 जितना था, जून में ये 7,000 करोड़ जितना जो इन्वेस्टमेंट था वो इनक्रीज हो गया। द एफपीआई हैज बीन बॉट इन टू सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल्स, प्राइवेट बैंक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, तो यहां पे सबसे ज्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आता हुआ हमें नजर आया। द सडन सर्ज इन एफपीआईज इज बिकॉज ऑफ राइट इश्यूज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्टेक सेल इन कोटक महिंद्रा बैंक एंड द स्लाइट इंक्रीज इन ऑप्टिमिज्म इन इंडियन मार्केट। तो देखिए इतना जो नेगेटिव ट्रेंड जो पूरी दुनिया में चल रहा है उसके बावजूद इंडिया और चाइना ये दो ऐसे कंट्रीज है जिनके शेयर मार्केट आपको अच्छा सा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। और जब जो मॉनिटरी जो एजेंसीज है सारी वर्ल्ड की, उन्होंने भी ये कहा था कि आफ्टर पोस्ट कोविड-19 इंडिया एंड चाइना को जो रिसेशन है उसका इतना ज्यादा असर नहीं होगा। क्यों? एक तो चीज है कि जो बड़ा हिस्सा है देश का वो मिडिल क्लास है, राइट, तो सभी लोग ऑलमोस्ट काम करेंगे। और एक चीज ये है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सेविंग के बेसिस पे चलती है। ओके, चाहे आपके पास 2 महीने जॉब नहीं है बट फिर भी बैंक अकाउंट में आपके पास इतना तो पैसा होगा कि आप आने वाले 4-5 महीनों तक सर्वाइव कर पाओ। ओके, तो जो मिडिल क्लास जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो काफी टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आज पैसा है और कल हमने उड़ा दिए। इंडियन मार्केट जो है वो ऐसे नहीं चलता और इसीलिए ये फायदे हमें देखने को मिलते हैं। ओके, हाउएवर द क्यूम्युलेटिव फॉरेन फ्लोज इन इक्विटीज दिस ईयर इज स्टिल नेगेटिव एट रूपीज 19,531 करोड़ सिंस मार्च एंड अप्रैल सॉ ह्यूज आउटफ्लोज। ओके, तो जून में हमें सबसे ज्यादा एफपीआई आता हुआ दिखा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? एफपीआई कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज एंड अदर फाइनेंशियल असेट्स पैसिवली हेल्ड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट डज नॉट provide the investor the direct ownership of financial asset and is relatively liquid depending on the volatility of the market. FPI is a part of country's capital amount and is shown on its balance of payments. The BOP measures the amount of money flowing from one country to other. ओके, और इससे जो पैसा आएगा, ओके, जो एक्स्ट्रा कमीशन जो गवर्नमेंट को मिलेगा उसको गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज कर सकती है। द इन्वेस्टर डज नॉट एक्टिवली मैनेज द इन्वेस्टमेंट थ्रू एफपीआईज, ही डज नॉट हैव कंट्रोल ओवर द सिक्योरिटीज और द बिजनेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसने कोई इंडियन बॉन्ड में अगर इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर उसका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहेगा, जितना रिटर्न मिलना है उतना ही रिटर्न आफ्टर द स्टिप्यूलेटेड टाइम उसको दिया जाएगा। द इन्वेस्टर्स गोल इज टू क्रिएट अ क्विक रिटर्न ऑफ हिज मनी। ओके, एफपीआई इज मोर लिक्विड एंड लेस रिस्की देन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अदर कंट्री। जैसे कि मान लीजिए वॉलमार्ट, ठीक है, तो वॉलमार्ट इंडिया में आना चाहता था, अपने स्टोर्स खोलना चाहता था। ओके, तो वो हो गया आपका एफडीआई। एफडीआई लेट्स एन इन्वेस्टर परचेज अ डायरेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री। मतलब मान लीजिए जुकरबर्ग ने अगर रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया है तो वो क्या हो गया? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई एंड एफडीआई आर बोथ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर मोस्ट इकोनॉमीज। फॉरेन कैपिटल कैन बी यूज्ड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटअप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड सर्विस हब्स एंड इन्वेस्ट इन अदर प्रोडक्टिव एसेट्स सच एज मशीनरी एंड इक्विपमेंट विच कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टिम्यूलेट्स एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो एफपीआई जितना ज्यादा होगा उतना गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा और उतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर सकेगी। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ब्रॉट न्यू एफपीआई रेगुलेशन 2019 रिप्लेसिंग द अर्स्टवाइल एप्लीकेशन रेगुलेशन फॉर 2014। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है आई कमिट इनिशिएटिव। रिसेंटली द आई कमिट इनिशिएटिव
was launched on the occasion of the World Environment Day. The initiative is driven by Energy Efficiency Service Limited, EESL, okay, under the administration of Ministry of Power, Government of India. अब आई कमिट इनिशिएटिव है क्या, तो ये लोगों को एनकरेज करेगा कि भाई अब आगे से जो भी काम करोगे वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए, ओके, एनवायरमेंटल एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए और आपको अपने आसपास की बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखना है. आई कमिट इनिशिएटिव इज सेंटर्ड अराउंड द आइडिया ऑफ बिल्डिंग एन एनर्जी रेजिलियंट फ्यूचर, ओके, ताकि हमको एनर्जी के लिए कोल पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े. इट इज अ क्लेरियन कॉल टू ऑल स्टेक होल्डर्स एंड इंडिविजुअल्स टू कंटिन्यू मूविंग टूवर्ड्स एनर्जी एफिशिएंसी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड द सस्टेनेबिलिटी टू क्रिएट अ रोबस्ट एंड रेजिलियंट एनर्जी सिस्टम इन फ्यूचर. द प्रीरिक्विजिट फॉर दिस गोल इज टू क्रिएट अ फ्लेक्सीबल एंड एजाइल पावर सिस्टम. The healthy power sector can help the nation in meeting the objective of energy access and security for all. और देखिए इंडिया जैसे जो vast population वाला जो country है, जहां आजादी के 75 साल के बाद भी कई जगहों पर बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां इस तरह के जो initiative है वो काफी कारगर साबित हो सकते हैं. इट सिक्स टू ब्रिंग टूगेदर अ डिवर्स स्पेक्ट्रम ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स टू बिल्ड अ न्यू एनर्जी फ्यूचर फॉर इंडिया. द इनिशिएटिव विल ऑल्सो सेलिब्रेट एंड प्रमोट की अंडरटेकिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, सच एज नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, फेम 1-2, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सौभाग्य स्कीम, उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, ओके, अजय स्कीम, कुसुम स्कीम, सोलर पार्क, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप. तो ये सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ओके, उसमें आई कमिट इनिशिएटिव की मदद मिलेगी. ओके, आई होप यू हैव द बेसिक आइडिया कि ये सारी जो योजनाएं है, ये सारी जो स्कीम्स है वो किसके साथ जुड़ी हुई है. अगर नहीं तो हर एक को सर्च कीजिए और अपनी नोट में लिख लीजिए कि भाई इसका बेसिक आइडिया ये है. जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम योजना क्या है, तो जो किसान है उसकी अगर कोई लैंड जो अनप्रोडक्टिव पड़ी हुई है, जो कोई काम में नहीं आ रही है साल के ज्यादा टाइम पीरियड में, तो उसको वहां पे एनकरेज किया जाएगा कि भाई आप वहां पे सोलर पैनल लगा लो. ओके, सोलर पैनल लगाने से क्या होगा, एक तो उसको बिजली की जो प्रोडक्शन है वो खुद करना स्टार्ट कर देगा, इससे उसकी जो आय है, उसकी जो इनकम है उसमें उसको बढ़ोतरी मिलेगी. तो 2022 तक जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि भाई 2022 फार्मर्स इनकम शुड बी डबल्ड, उसमें कुसुम योजना से हेल्प मिलेगी. और कुसुम योजना के लिए 60% जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30% बैंक लोन मिल जाएगा, सो 10% पैसा आपको खुद का निकालना पड़ेगा फार्मर्स को. तो उसके लिए उनको एनकरेज किया जा रहा है और वो सारी जो सोलर पैनल्स होगी उसको नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सुंदरबंस डैमेज्ड इन साइक्लोन अम्फान. ओके, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हाईलाइटेड दैट अबाउट 28% ऑफ द सुंदरबंस हैज बीन डैमेज्ड बाय साइक्लोन अम्फान. ओके, और सुंदरबन क्या है, तो सबसे बड़ा जो मैंग्रोव है, ओके, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है सुंदरबन. एंड ट्रीज टू मार्क द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, द इंडियन सुंदरबंस एन एरिया साउथ ऑफ द डेम्पियर होजेस लाइन इज स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट 9000 स्क्वायर किलोमीटर, ऑफ विच द मैंग्रोव फॉरेस्ट अकाउंट्स फॉर 4-6.3 स्क्वायर किलोमीटर. ओके, 1200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ दैट मैंग्रोव फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड. मैंग्रोव नॉट ओनली रिड्यूस्ड विंड स्पीड बट ब्रेक द वेव्स ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग सर्ज कॉज बाय द साइक्लोन. ओके, तो वहां के आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं उनकी रक्षा भी मैंग्रोव जंगल स्ट्रॉन्ग के टाइम में करते हैं. ट्रीज टर्न येलो एंड रेड आफ्टर द साइक्लोन मोस्टली ड्यू टू सेलिनिटी एंड ट्रीज कैन ओनली सर्वाइव इफ द सेलिनिटी ऑफ द सॉइल कम्स डाउन. डेम्पियर होजेस लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू 24 परगना साउथ एंड नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट विच इंडिकेट्स द नॉर्थ नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द यूस्टरीन जोन अफेक्टेड बाय टाइडल फ्लक्चुएशंस. ओके, तो जब टाइडल फ्लक्चुएशंस होंगे तो कब तक के मैक्सिमम एरिया को उसका इफेक्ट होगा, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी, जो ट्रीज है, जो उसके रूट्स है,
और जो सॉइल है उसको कहां तक मैक्सिमम अफेक्ट होगा उसके लिए एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है. ओके, द डैमेज हैज बीन मच ऑन द इंडियन साइड ऑफ द सुंदरबंस एंड नॉट ऑन द बांग्लादेश साइड. सुंदरबन का बहुत ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश में भी है. ओके, अगर आपको मैप पता है तो आप उसको इजिली रेक्टिफाई कर पाओगे. तो क्योंकि वेस्ट बंगाल को सबसे ज्यादा असर किया था अम्फान ने, उसी की वजह से सुंदरबन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. ओके, और वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाई आने वाले महीनों में 3.5 करोड़ मैंग्रोव प्लांट जो है वो उस एरिया में उगाए जाएंगे, ताकि ये जो क्षति हुई है, जो डैमेज हुआ है, उसको बैलेंस किया जा सके. ओके, और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब है? वो है 14 जुलाई को, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. ओके, तो द सीएम हैज डायरेक्टेड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू बी प्रिपेयर्ड टू प्लांट 3.5 करोड़ मैंग्रोव्स बाय 14 जुलाई, विच इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे. ओके, चलिए सुंदरबन क्या है? इट इज द वास्ट कंटेजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम इन द कोस्टल रीजन ऑफ बे ऑफ बंगाल स्प्रेड ओवर इंडिया एंड बांग्लादेश. ओके, और वो किन नदियों के डेल्टा से बनता है? गैंजीज, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना. ओके, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स के डेल्टा से वो बनता है. ओके, और वो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव एरिया है. ओके, इट कॉन्स्टिट्यूट ओवर 60% ऑफ कंट्रीज टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया. उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 1987 में डिक्लेयर किया गया था. रामसर कन्वेंशन में उसको जनवरी 2019, ओके 31 जनवरी 2019 को उसको रामसर कन्वेंशन में भी इंक्लूड किया गया. ऑल्सो इट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर्ड इन 1989. तो देखिए इसका कितना इंपॉर्टेंस है फॉर इंडियन बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. द एरिया इज नोन फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ फौना इंक्लूडिंग 260 बर्ड स्पीशीज एंड इज होम टू मेनी रेयर एंड ग्लोबली थ्रेटन्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज सच एज यूस्टरन क्रोकोडाइल, रॉयल बंगाल टाइगर. सी, रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सुंदरबन में देखने को मिलेंगे. वाटर मॉनिटर लिजर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन एंड ऑलिव रिडले टर्टल्स. ऑलिव रिडले टर्टल्स हमें उड़ीसा में भी, हमें जब इसके मास नेस्टिंग की जब हमने बात की थी, ओके ऋषिकेलिया रुकेरी में, तब हमने ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में पढ़ा था. द सुंदरबंस डेल्टा इज द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इनहेबिटेड बाय टाइगर्स. ओके, चलिए तो सुंदरबन के बारे में ये चीज आपको जानने की जरूरत है. ओके, और इसको याद रखने की जरूरत है आपको. देखिए कभी भी करंट अफेयर्स में सुंदरबन के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो आए दिन किसी ना किसी टॉपिक के साथ वो डिस्कशन में रहता है. ओके, चलिए मैंग्रोव्स क्या है? तो मैंग्रोव्स ऐसी वनस्पतियां हैं, ऐसे पेड़ पौधे हैं जो नदी किनारों पे या ओशन के किनारों पे आपको उगे हुए मिलेंगे. मैंग्रोव्स आर दी प्लांट कम्युनिटीज अकरिंग इन इंटर टाइडल जोन्स अमोंग दी कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज. ओके, मैंग्रोव फॉरेस्ट परफॉर्म मल्टीपल इकोलॉजिकल फंक्शंस सच एज प्रोडक्शन ऑफ वुडी ट्रीज, प्रोविजन ऑफ इनहेबिटेड फूड एंड स्पॉनिंग ग्राउंड्स फॉर फिनफिश एंड शेलफिश, प्रोविजन ऑफ हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड अदर वैल्यूएबल फौना. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ कोस्ट लाइन्स एंड एसर्शन ऑफ सेडिमेंट टू फॉर्म न्यू लैंड. तो ये सारी चीजें जो मैंग्रोव जंगल है वो हमें फायदा पहुंचाते हैं. अमोंग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, तो सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है. ओके, और वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज्यादा मैंग्रोव कहाँ देखने को मिलेंगे? गुजरात में एंड देन अंडमान निकोबार आईलैंड में. अभी की जो ISFR रिपोर्ट आई है 2019 जो हमने जनवरी में कवर किया था, ओके जनवरी के करंट अफेयर्स की सीरीज में हमने जिसको कवर किया है, सो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सबसे ज्यादा इंक्रीज दिखाया है मैंग्रोव्स कवर में विथ रिस्पेक्ट टू 2017, तो गुजरात ने सबसे ज्यादा इंक्रीज दिखाया है, उसके बाद है महाराष्ट्र एंड उसके बाद है ओडिशा. ओके, तो गुजरात में कितना मैंग्रोव एरिया में इंक्रीज हुआ है? 37 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा सा वो है नईमिशा 2020. द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली विल ऑर्गेनाइज ऑनलाइन नईमिशा 2020 समर आर्ट प्रोग्राम फ्रॉम 8 जून 2020 टू 3 जुलाई 2020 टू रीच इट्स ऑडियंस ड्यूरिंग द COVID-19 आउटब्रेक. ओके, तो आर्ट के लिए एक समर प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसको नाम दिया गया है नईमिशा 2020, जिसको चलाएगा कौन? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA. नईमिशा क्या? इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अ चांस टू पार्टिसिपेंट्स एंड आर्ट एंथुजियास्ट टू क्रिएट एंड लर्न फ्रॉम प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट.
ओके तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो आर्टिस्ट है उनसे उनको सीखने का एक मौका दिया जाएगा। दी प्रोग्राम इंक्लूड्स ऑनलाइन वर्कशॉप्स, सेशन ऑन पेंटिंग, स्कल्पचर, पेंट मेकिंग एंड इंद्रजाल। ओके तो ऐसे सारे अलग अलग वर्कशॉप किए जाएंगे। द एग्जीबिशन ऑफ सिलेक्टेड आर्ट वर्क फ्रॉम द प्रोग्राम विल बी डिस्प्लेड ऑन सोहम द कल्चरल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ एनजीएमए। तो इनमें से जो स्टूडेंट सीखेंगे और उनमें से सिलेक्टेड जो चीजें होंगी, सिलेक्टेड जो आर्ट पीस होंगे, उनको सोहम नाम के प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले किया जाएगा। और सोहम क्या है? जो मीडिया प्लेटफॉर्म है एनजीएमए का। ओके और एनजीएमए क्या है? एनजीएमए वॉज एस्टेब्लिश इन 1954 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे? जयपुर हाउस, दिल्ली में। इट इज रन एंड एडमिनिस्ट्रेट थर्ड एज अ सब ऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके सीधा सीधा वो काम करती है। दी एनजीएमए हैज टू ब्रांचेज, एक ब्रांच है मुंबई में, जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में, एक ब्रांच है मुंबई में और एक ब्रांच है बेंगलुरु में। वन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एक्वायर एंड प्रिजर्व वर्क ऑफ मॉडर्न आर्ट फ्रॉम दी 1850s एंड ऑनवर्ड्स। तो जो भी मॉडर्न आर्ट के पीसीज है उसको एग्जिबिट करना और उसको कंजर्व करना, वो उसका एक मेजर एंड प्राइमरी वर्क है एनजीएमए का। ओके चलिए, नेशनल जो टॉपिक है हमारे लिए वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके रिसेंटली द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज क्लेरिफाइड दैट टाइगर्स इन दी कंट्री हैव शोन अ हेल्दी एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6%। ओके तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि भाई गुजरात के गिर फॉरेस्ट में जो शेर की संख्या है वो भी अब कितनी हो गई है, 600+ हो गई है। ओके जो पिछली जब पिछला सेंसस किया गया था तो 500+ थी, जो इस बार 600+ हो गई है। एंड गिर नेशनल पार्क इज द ओनली होम फॉर द एशियाटिक लायन। तो और एक अच्छी चीज हमें जानने को मिलेगी, भाई जो टाइगर्स की जो बाघ की जो संख्या है वो भी क्या हुई है, एट दी एन्युअल ग्रोथ रेट 6% से वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। दीज फाइंडिंग्स आर स्टेटेड अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रा एन्युअल, हर 4 साल में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जो कि पिछली बार कंडक्ट किया गया था 2006, 10, 14 और 18 में। तो 18 के रिपोर्ट के अनुसार ये फाइंडिंग्स हमें देखने को मिली है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द रिकॉर्डेड ग्रोथ ऑफ 6% ऑफसेट नेचुरल लॉसेज एंड कीप्स टाइगर एट द हैबिटेट कैरिंग कैपेसिटी लेवल। ओके तो जो उसके हैबिटेट्स है उसमें वहां पे 6% ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज दैट कैन बी सस्टेन्ड इन स्पेसिफिक एनवायरमेंट। ओके गिवन दी फूड हैबिटेट वाटर एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल। तो हमारे पास देखिए इंडिया में 50 जितने टाइगर रिजर्व्स है अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव। तो उस हैबिटेट में, उस स्पेसिफिक एनवायरमेंट में टाइगर की जो संख्या है वो 6% बढ़ती जा रही है और उसको क्या कहोगे आप, कैरिंग कैपेसिटी। ओके उसको आप कहोगे कैरिंग कैपेसिटी लेवल। फॉर द पीरियड 2012 टू 2019 द एवरेज टाइगर डेथ्स पर ईयर इज 94। ओके तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि भाई इसको किस तरह से कम किया जा सके, और 94 जो एवरेज डेथ हो रही है उसका रीजन क्या है। ओके और एनटीसीए के बारे में हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं। एनटीसीए इज अ स्टेच्यूटरी बॉडी ओके अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 2005 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोविजन एक्ट 1972, और उसी के लिए हमारे अंडर दिस एक्ट ओनली एक प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर इज एन ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रोवाइडिंग सेंट्रल असिस्टेंस टू द टाइगर स्टेट फॉर टाइगर कंजर्वेशन इन डेजिग्नेटेड टाइगर रिजर्व। गुजरात में एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके और इंडिया में टोटल 50 जितने टाइगर रिजर्व है। इंडिया हैज नाउ एज मेनी एज 2967 टाइगर्स। ओके पिछली बार जुलाई में ये रिपोर्ट आई थी, जुलाई 2019 में, 2 जुलाई को। ओके दैट लगभग हमारे यहाँ 3000 जितने टाइगर्स है, विथ मोर देन हाफ ऑफ देम इन मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। तो सबसे ज्यादा जो टाइगर्स है हमारे यहाँ वो कौन से स्टेट में है, वो है मध्य प्रदेश स्टेट में, और सेकेंड नंबर पे है कर्नाटका। ओके द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैव इंक्रीज्ड बाई 33% सिंस द लास्ट सेंसस इन 2014 व्हेन द टोटल एस्टिमेट वॉज 22-26। ओके तो 33 जितना इंक्रीज हमें देखने को
मिला है हमारी टाइगर सेंसस में. ओके, और गवर्नमेंट काफी अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को चला रहे. प्रोजेक्ट टाइगर इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ एनी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट्स, राइट, क्योंकि हमें कभी भी उसमें डिक्लाइन होता हुआ नहीं दिखा है. ओके, चलिए. सो और एक छोटा सा टॉपिक है जो है अर्पित. ओके, और अर्पित क्या है? अर्पित का पूरा नाम है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन. तो इंडियन एयरफोर्स ने COVID-19 की जो क्राइसिस खड़ी हुई है उसमें अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन के तौर पर अपने जो बड़े बड़े जो जहाज है उसको एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड में कन्वर्ट कर दिया है. ओके, ताकि जो पेशेंट है उनको आइसोलेटेड करके उनको एक जगह से दूसरी जगह अगर जरूरत पड़ी तो उनको ट्रांसपोर्ट किया जा सके. ओके, और विद इन दिस ट्रांसपोर्टेशन कोई कंटेजियस का कोई इश्यू ना हो. देखिए यहां पे आपको ये पूरा मैं हाईलाइट करके दिखाया, ठीक है. तो एक ये पूरा उनका जो शिप है, प्लेन जो है, ओके, फाइटर प्लेन है या जो ट्रांसपोर्टेशन जो प्लेन है उसको उन लोगों ने मेडिकल फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है. रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स हैज डिजाइंड अर्पित. ओके, और ये किस लिए यूज होगा? तो ये यूज होगा, आपको इसका पूरा नाम देखिए अंडरलाइन जो किया हुआ है वो याद रख लेना है, नोट कर लेना है. द पॉड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स. अगर जरूरत पड़ी तो एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाया जाएगा. विथ इन्फेक्चुअस डिजीजेस इंक्लूडिंग COVID-19 फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज, आइसोलेटेड एंड रिमोट प्लेसेस. नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हो गए, कोई विलेज एरियाज हो गए, या कोई पहाड़ी पर अगर कोई रह रहा है, अगर उसको ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ी तो अगर उसको मान लीजिए कोई बड़े शहर में लेके जाना है तो वहां पर यह हेल्प करेगा. और ये सपोर्ट कर रहा है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को. ओनली इंडिजीनियस मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड टू फैब्रिकेट दिस पॉड. तो ये जो पूरा पॉड बनाया गया है वो कंप्लीटली इंडियन ओरिजिन की चीजों से बनाया गया है. ओके, चलिए. और आइसोलेशन सिस्टम के फायदे ये है, दिस इज कम्प्लीटली एक्स्ट्रा स्टफ, ये प्रीलिम्स में आपको किसी भी तरह पूछे नहीं जाएंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, कि भाई क्या कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज करता है, कौन से फिल्टर वो यूज करेगा, एटसेट्रा. ओके, तो एक चीज आपको सिर्फ यहां पे जाननी है हीपा के बारे में. तो हीपा क्या है? इट इज एन एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइंड टू कैप्चर एटलीस्ट 99.97% ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स, डस्ट, पोलन, मोल्ड, बैक्टीरिया विद अ साइज ऑफ एटलीस्ट 0.3 माइक्रोमीटर. ओके, तो इट इज अ फिल्ट्रेशन सिस्टम जो जिसकी एक्यूरेसी कितनी है 99.97%. तो ओनली 0.03 जितना वो क्या करेगा, जो बैक्टेरियाज या एयरबोर्न अदर पार्टिकल्स है उसको एंटर करने देगा, बाकी सारी चीजों को वो क्या कर देगा, बाहर छोड़ देगा. ओके, चलिए. सो दिस वॉज योर ऑल अबाउट अर्पित. ओके, नाउ एक छोटा सा और टॉपिक है हमारे लिए, वो है वर्ल्ड ओशंस डे, जो कि मनाया जाता है 8 जून को. ओके, और इस बार की जो थीम थी वो थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन. ओके, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन वो इस बार की थीम थी. ओशन क्यों हमारे लिए जरूरी है? तो हम बचपन से ज्योग्राफी और सारे सब्जेक्ट में पढ़ते आ रहे हैं कि ओशंस कवर 71% ऑफ अर्थ सरफेस एंड होल्ड 97% ऑफ प्लांट वाटर्स. दे हेल्प फीड द वर्ल्ड एंड प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन. ओके, तो ये सारे जो उसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है. हमारी जो काफी सारी मेडिसिन है, ओके, जो वैक्सीन जो है वो भी हमें कहां से मिलेगी? कोरल रीफ से मिलती है. और कोरल रीफ कहां पे डेवलप होंगे? कोरल रीफ डेवलप होंगे आपके ओशन में. तो इसी काफी सारे जो की रोल वो प्ले करता है हमारी बायोडाइवर्सिटी में, जिसको हमने क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हमने क्या करके रखा है, पूरा बिगाड़ के रख दिया है. थ्रेट टू ओशन क्या है? पॉल्यूशन, ओवर फिशिंग, इन्वेसिव स्पीशीज, राइजिंग ओशन एसिडिटी ड्यू टू द एक्सटेंसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, प्लास्टिक वेस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स फेस्ड बाय ओशंस टूडे. ओके, तो ये सारी चीजें ओशन को थ्रेट कर रही है, जो आने वाले सालों में ग्लोबल लेवल पे अगर कंट्रियां यूनाइट नहीं होगी तो इसको टैकल करना क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा. ओके, सो दिस वाज योर टुडेज लेक्चर. आई होप एवरी टॉपिक इज क्लियर्ड. इफ एनी डाउट जस्ट रीच मी आउट एंड वी विल सॉल्व योर क्वेरीज. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.